अकॉर्डिंग टू से ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं इन एफ एनो सेगमेंट लॉस करने का तो बहुत सारे रीजन है उनमें से एक रीजन है नॉट अंडरस्टैंडिंग एन इंडिकेटर इन डेप्थ एंड यूजिंग इट इंडिकेटर्स हो या प्राइस एक्शन सभी फॉल्स सिग्नल देते हैं पर अगर इसे ठीक से यूज करना हमें आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग इन टू अग्नल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है तो जो भी आर एस आई को यूज कर रहे हैं पर उन्हें लॉस हो रहा है तो ये वीडियो उनके लिए है या फिर जो बिगिनर्स है और आर जैसे पावरफुल इंडिकेटर को यूज करना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए भी है आर एस आई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है जो प्राइस का एवरेज गेन और एवरेज लॉस को कैलकुलेट करता है और उससे ये प्राइस का स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस को मेजर करता है ये एक ऑसिलेटर है जो जीरो और हंड्रेड के बीच में इसका रेंज रहता है जीरो एंड हंड्रेड इसको प्राइस चार्ट के नीचे प्लॉट किया जाता है ये आर को प्राइस चार्ट ऊपर प्लॉट होता है और आर को नीचे प्लॉट किया जाता है और ये बुलिश एंड बियरिश मोमेंटम सिग्नल देता है तो बुलिश मोमेंटम सिग्नल कब देता है जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये आर भी ऊपर जाता है और ये प्राइस में एक स्ट्रेंथ दिखाता है जब प्राइस नीचे आता है तो फिर आरएसआई भी नीचे आता है और ये एक बेरिश स्ट्रेंथ दिखाता है प्राइस का प्राइस जब यहाँ पे कंसोलिडेट करता है ऊपर जाके तो फिर आर एस आई भी फ्लैट या फिर नीचे जाने लगता है ये आर एस आई में वीकनेस दिखाता है और प्राइस जब नीचे आके फ्लैट हो जाता है तो आर एस आई भी प्राइस के साथ फ्लैट हो जाता है नहीं तो ये ऊपर चला जाता है तो ये यहाँ पे वीकनेस दिखाता है आर को तीन जगह पे डिवाइड करता है आर एस आई का तीन एरिया होता है एक होता है above 70 जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर बॉट जोन एक होता है बिलो 30 जो होता है ओवर सोल्ड एरिया ओवर सोल्ड जोन और एक होता है बिटवीन थर्टी एंड सेवेंटी यहाँ पे प्राइस ज्यादा डेढ़ तक रहता है ये एंड के के बीच में तो ऊपर चला गया वो हो गया, बाई हो गया अभी आर एस आई फिर से यहाँ से रिवर्स करने का प्रोबेबिलिटी रहता है सेवेंटी से फिर से थर्टी और सेवेंटी के बीच में रिवर्स आता है और आर एस आई अगर थर्टी के नीचे चला जाता है तो ये दिखाता है कि ओवरसोल्ड हो गया मीन्स ज्यादा सेलिंग हो गया अभी बाइंग होगा तो फिर आर एस आई में थोड़ा सा पुल बैक आता है प्राइस में भी पुल बैक आता है, में पूल बैक आता है। फिर से थर्टी और सेवनटी के बीच में आ जाता है तो आर एस आई भी थर्टी के नीचे या फिर सेवेंटी के ऊपर जाएगा तो ये थर्टी और सेवनटी के बीच वाला लाइन पे बीच वाला एरिया पे आने का कोशिश करेगा और इसीलिए जब भी आर एस आई थर्टी के नीचे जाता है तो इसको बाई सिग्नल देते हैं ट्रेडिशनली और जब थर्ट सेवेंटी के ऊपर जाता है तो ये एक सेल सिग्नल देता है क्योंकि 70 के ऊपर सेल करेगा तो फिर प्राइस में एक रिवर्स आ जाएगा 30 के नीचे बाई करेगा तो प्राइस में फिर से रिवर्स आ जाएगा और आर कब अच्छा काम करता है जब आर एक ट्रेडिंग रेंज पे होता है क्योंकि आर का नॉर्मल यूज ट्रेडिंग मार्केट में नहीं होता है आर का नॉर्मल यूज ट्रेडिंग रेंज पे होता है क्योंकि आर एक मोमेंटम ऑसिलेटर है तो ये ऑसिलेट करते रहता है तो इसीलिए यहाँ पे सेल होता है ऊपर और नीचे इसका बाय रहता है नीचे बाय एंड ऊपर सेल और ऑसिलेट करते रहता है और इसीलिए ये साइडवेज या मार्केट में ज्यादा काम करता है अब देखेंगे आरएसआई का वो ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में भी आर एस आई को बहुत ब्यूटिफुली यूज किया जाता है ट्रेंडिंग मार्केट का जो एक पॉपुलर इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज ये एक पॉपुलर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो प्राइस का बुलिश या फिर बेरिश ट्रेंड को बताता है पर मूविंग एवरेज प्राइस का स्ट्रेंथ नहीं बताता और ये स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस बताता है आरएसआई इसीलिए आरएसआई या फिर MECD जैसे एक मोमेंटम ऑसिलेटर जो प्राइस का स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स के लिए इवन इन अ ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट कोई भी ट्रेडर को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि यही से बिग प्रॉफिट मिलता है जो साइडवेज मार्केट का स्मॉल स्मॉल लॉसेस को नलीफाई कर सकता है और इसीलिए जो भी इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे वो हर एक मार्केट सिचुएशन में कैसे करके कैसे करके करके ट्विक करना करना है 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 यूज यूज वो पता होना बहुत आवश्यक होती है। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल ऑफ क्या है? और हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट में इसको कैसे यूज कर सकते हैं तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट तो आर एस आई का जो पॉपुलर यूज है वो होता है साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन मार्केट में जहां पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं रहता है तो उसमें क्या होता है आर एस आई 30 के नीचे चला आया तो फिर बाई हो गया बाई का सिग्नल देता है आई एस आई आई एस आई सेवेंटी के ऊपर चला गया तो फिर यहाँ पे सेल सिग्नल मिल जाता है तो ये प्रॉपरली जब मार्केट साइडवेज या फिर इतना ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होता है तब काम करता है लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तब ऐसा रूल्स फॉलो नहीं होता है। देखते हैं एक ट्रेंडिंग मार्केट को देखिए जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मार्केट ट्रेंडिंग है मार्केट ऊपर जा रहा है और आर एस आई क्या हुआ RSI भी ही है। RSI कहीं पर भी नीचे आया नहीं है थर्टी के नीचे एक बार इधर आया था लेकिन वो भी जस्ट टच किया है और आर एस आई ऊपर ही पूरा देर तक है ये अगर हम लोग बेरिश मार्केट में देखेंगे तो फिर और ये इसको प्रोमिनेंट लगेगा बेरिश मार्केट में जैसे हम यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हैं यहां से यहाँ तक मार्केट ने फॉल किया है लेकिन आर एस आई कभी भी सेवेंटी के ऊपर गया ही नहीं आर एस आई हमेशा नीचे ये वाला बॉक्स थर्टी और फिफ्टी के बीच में ही आर एस आई ज्यादा तक है तो फिर सेल करे कैसे आर एस आई तो कभी ऊपर गया ही नहीं तो फिर बेरिश मार्केट का ट्रेंड हमें मिस हो जाएगा और जब भी बुलिश मार्केट होगा तब आर एस आई कभी भी थर्टी के नीचे जाएगा ही नहीं तो बुलिश मार्केट का भी ट्रेंड मिस हो जाएगा तो फिर आरएसआई ट्रेंडिंग मार्केट में देखे कैसे इसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट में आर एस आई का वो रूल जो ट्रेडिशनल रूल है सेवेंटी के ऊपर सेल वो अप्लाई नहीं करेंगे और थर्टी के नीचे बाई ये भी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट जब फॉल हो रहा है तो इसको बाय करना भी नहीं है और मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो इसको सेल करना भी नहीं है तो ये दोनों कंडीशन में हम लोग सेल और बाय नहीं करेंगे उसका मतलब क्या है यहाँ पे मार्केट जब भी लेस देन थर्टी जाएगा वहां पे बाय नहीं करेंगे और अप ट्रेंड में मार्केट जब भी ग्रेटर देन सेवेंटी जाएगा वहां पे हम लोग सेल नहीं करेंगे तो फिर हम लोग ये वाला मार्केट में अप ट्रेंड मार्केट में सिर्फ बाय के लिए देखेंगे और डाउन ट्रेंड मार्केट में सिर्फ सेलिंग के लिए देखेंगे पर आड़े साइड में बाइंग तो होता है हमेशा जब भी लेस देन थर्टी जाएगा और सेलिंग होता है जब भी ग्रेटर देन सेवेंटी जाएगा और अप मार्केट में लेस देन थर्टी जाएगा नहीं डाउन मार्केट में लेस ग्रेटर देन सेवेंटी जाएगा नहीं तो फिर व्हाट शुड वी डू तो इसके लिए जो रूल है वो है जब मार्केट अपट्रेंड में है हायर हाईज हायर लोज बना रहे हैं और आर एस आई तब रहता है बिटवीन फिफ्टी एंड सेवेंटी मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसमें क्या करना है जब ऊपर चला जाएगा आर जब सेवेंटी के ऊपर चला जाएगा तब हम लोग बाई नहीं करेंगे हम लोग वेट करेंगे आरएसआई को फिफ्टी के नीचे आने का तो यहाँ पे जब पुल बैक होगा तब आरएसआई 50 के नीचे आएगा या फिर 50 के आसपास आएगा उसके बाद जब यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाएगा लोअर टाइम फ्रेम में जाके तब यहाँ पे बाय करना है तो ये जो देखना है ये देखना है हमें सेटअप टाइम फ्रेम में हमारा जो लास्ट वाला वीडियो था हमने वहां पे एक स्ट्रैटेजी डिफाइन किया था वो कौन सा स्ट्रेटेजी था वो था टैसेट स्ट्रैटेजी टी ए एस टैसेट स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग ट्रेंड पहले देखेंगे कि ट्रेंड क्या है ट्रेंड अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज ट्रेंड है साइडवेज ट्रेंड में तो आर का जो ट्रेडिशनल यूज है सेवेंटी थर्टी सेवेंटी में सेल एंड थर्टी में बाई वही यूज होगा लेकिन जब अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है तो हम लोग ये वाला सेटअप यूज करेंगे ये वाला फर्स्ट सेटअप हम लोग यूज करेंगे अपट्रेंड के लिए एंड डाउन ट्रेंड के लिए भी मैं सेटअप दिखाने वाली हूँ उसके बाद टी ए हो गया ये हम लोग यूज करते हैं कौन सा टाइम फ्रेम में ये हम लोग यूज करते हैं हायर टाइम फ्रेम में आप अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं ये टैसे स्ट्रेटेजी कैसे हमने अप्लाई किया था तो ये हम लोग यूज करेंगे हायर टाइम फ्रेम में और एसी जो स्ट्रेटेजी है एसी का स्टॉप लॉस एंट्री एंड टारगेट ये हम लोग यूज करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में तो लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होगा अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम होगा ट्वेंटी मिनट्स चार्ट एंड हायर टाइम फ्रेम होगा तब डेली चार्ट अगर हम लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो फिर लोअर टाइम फ्रेम होगा डेली एंड हायर टाइम फ्रेम होगा वीकली चार्ट तो ऐसे करके हम लोग ट्रेड करेंगे तो कोई भी हम लोग ट्रेड करें स्विंग या फिर पोजिशनल या फिर इंट्राडे वहां पे हायर टाइम फ्रेम में जाके ये आरएसआई का देखना है तो आरएसआई जब भी नीचे आएगा ये 50 के नीचे आएगा तब हम लो लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम में जाके फिर एंट्री होगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड मार्केट में तो डाउन जब होगा मार्केट जब डाउन होगा तो फिर टी ट्रेंड होगा हमारा डाउन एंड हमारा जो एरिया रहेगा उसके लिए हम लोग आर देखेंगे ये आर हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 50 होना चाहिए तो जब नीचे आ रहा है तो आर एस आई में क्या होता है आर एस आई तब सेवन थर्टी एंड 50 के बीच में मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइस रहता है तो प्राइस फॉल करता है ये पे ऊपर जाता है फिर यहाँ से फॉल करता है ऐसे करके प्राइस आर रहता है और ये जब प्राइस का ऊपर का पुल बैक्स होता है जब भी पुल बैक होता है प्राइस में तब आर ये ऊपर जाता है तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तब ये 50 के पास आर एस आई जब फिफ्टी के पास होगा तब हम लोग इसको सेल करने के लिए क्राइटेरिया में रख देंगे तो सेल करने के लिए वॉच लिस्ट में ये रख देंगे उसके बाद हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाके सेट स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक चलिए चार्ट्स पे जाते हैं चार्ट्स पे जाके ये समझते हैं थोड़ा तो फिर कैसे करेंगे ये नीचे की तरफ जा रहा है आर एस आई जब नीचे आ जाएगा तब हम लोग बाई नहीं करेंगे वी विल वेट वी विल वेट फॉर द आर एस आई टू गो अब फिफ्टी फिफ्टी के ऊपर चला गया यहाँ पे एक सेलिंग कंडीशन हमारा आएगा उसके बाद हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाके सेल करेंगे फिर 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 से से नीचे आ गया फिर गया ऊपर पे पे 50 के पास आया यहां पे एक सेलिंग कंडीशन हुआ से लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम लोग सेल लो करेंगे तो फिर हमें यहाँ से ये वाला मुह हम लोग पकड़ पा रहे हैं अभी हम लोग लॉन्ग के लिए देखते हैं लॉन्ग के लिए जैसे देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से मार्केट यहाँ तक का लॉन्ग ट्रेंड मार्केट में था और आर भी ये ये रेंज के ही बीच में है नीचे गया ही नहीं तो आर एस आई जब ऊपर चला गया सेवन के ऊपर चला गया तब हम लोग सेल नहीं करेंगे हम लोग वेट करेंगे फॉर टू कम बिलो 50। 50 के नीचे आ गया यहां पे यहां पे हमारा एक बाई क्राइटेरिया हो गया इसके बाद हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाके इसको बाई करेंगे फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिफ्टी के नीचे आ गया यहाँ पे यहाँ पे जाके हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाके बाई करेंगे उसके बाद आरएसआई फिर से नीचे आया अभी आरएसआई जब नीचे आया ये थर्टी टच किया थर्टी में टच किया यहाँ पे हमारा बाइंग कंडीशन होगा हम लोग बाय करेंगे फिर ऊपर चला गया तो हम लोग बाय करते जाएंगे ऑन अ ऑल शुड बी बाइंग तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है हम लोग पुल बैक पे बाय कर रहे हैं ऊपर जा रहा है हम लोग पुल बैक पे बाय कर रहे हैं ऊपर जा रहा है पुल बैक पे बाय कर रहे हैं और सेलिंग के लिए कैसे हो रहा है डाउन पे जा रहा है मार्केट पुल बैक पे सेल कर रहे हैं डाउन पे जा रहे हैं पुल बैक पे सेल कर रहे हैं डाउन पे जा रहे पुल बैक पे सेल कर रहे हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट हायर पॉइंट्स पे सेल कर पाएंगे एंड लोअर पॉइंट्स पे बाय कर पाएंगे यूजिंग दिस मेथड अब इसको डायरेक्टली बाय या सेल तो करना नहीं है वो हायर टाइम फ्रेम में ये सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके वो देखना है कि कैसे करके चार्ट पैटर्न हो रही है तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे कि लोअर टाइम फ्रेम में जाके दो तीन एग्जाम्पल लेके देखेंगे की चार्ट पैटर्न पे हम लोग कैसे बाय कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो जैसे लास्ट वाला ही हम लोग ट्रेंड का लेते हैं लास्ट में जो हुआ था आर एस आई में ये मार्केट डाउन जा रहा था, और फिर आर एस आई नीचे जाके ऊपर गया यहाँ पे पुल बैक दिया तो यहाँ पे देखते हैं कोई सेल क्राइटेरिया हो रहा है कि नहीं ये हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ये हायर टाइम फ्रेम में तो फिर हम लोग सिक्सटी मिनट्स या फिर वन ट्वेंटी मिनट पे जाके सेल के लिए चेक करेंगे। चलिए तो तो क्या हो रहा है प्राइस एक्शन तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ऊपर गया प्राइस नीचे आया फिर से ऊपर गया फिर ये ब्रेक कर गया तो ये एम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है एंड देन स्विंग लो भी ब्रेक कर रहा है तो फिर यहाँ पे डिट्रेसमेंट पे हमारा एंट्री बनेगा ये एक सेल एंट्री होगा स्टॉप लॉस होगा पिवोट हाई पिवोट हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न तो ऐसे करके हम लोग एंट्री ले सकते हैं हम लोग दो तरीके का ले जैसे लास्ट में भी बोला था यहाँ पे दो तरीके का एंट्री हो सकता है एक होता है ये कैंडल क्लोज पे जब कैंडल क्लोज कर रहा है स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पे रहेगा दिस विल बी द स्टॉप लॉस लेकिन एंट्री दो तरीके का हो सकता है वन होगा हमारा रिस्की एंट्री तो ये होगा थोड़ा सा रिस्की एंट्री ये होगा कैंडल क्लोज पे इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो वो वहां पे एंट्री होगा सेकेंड जो एंट्री है वो होता है कंजर्वेटिव एंट्री तो इसमें क्या होता है इसमें पुल बैक पे एंट्री करेंगे पुल बैक कहाँ पे होगा ये जो लाइन ब्रेक कर रहा है ये सब रेजिस्टेंस बन जाएगा ये सब को रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर रेजिस्टेंस में हम लोग एंट्री कर सकते हैं लेकिन क्या होगा अगर हम लोग पुल बैक के लिए वेट करें तो कभी कभी एंट्री नहीं मिलेगा डायरेक्टली प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा लेकिन उसमें स्टॉप लॉस भी कम होगा इतना सा ही स्टॉप लॉस होगा लेकिन अगर हम लोग रिस्... ले सकते हैं तो फिर ये क्लोज पे एंट्री कर सकते हैं क्लोज पे एंट्री होने से हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा लेकिन हम लोग का एंट्री भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि प्राइस कभी भी ऐसे करके नीचे आ सकता है और रिट्रेसमेंट के लिए नहीं भी जाएगा ऐसा भी होता है कभी कभी तो उस टाइम हम लोग मिस कर जाएंगे अगर हम लोग कंजर्वेटिव एंट्री ले तो बेस्ट ऑन योर स्ट्रेटेजी एंड बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल आप एंट्री ले सकते हैं और एक देखते हैं चलिए इंट्राडे चार्ट चार्टे तो अगर हम लोग इंट्राडे टाइम फ्रेम में ट्रेड करें तो हम लोग फिफ्टी मिनट्स पे चाहेंगे. 15 मिनट्स होगा हमारा सेटअप टाइम फ्रेम आज जैसा बहुत अच्छा एक ट्रेड मिला था हमें 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कल से ही ट्रेंड अप ट्रेंड था और यहाँ पे आर भी फर्स्ट हाफ में ही ऊपर चला गया उसके बाद आर को 50 के नीचे आने देंगे यहाँ पे आर 50 के नीचे आ गया है तो हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं दिस इज विल बी दर वर्टिकल लाइन यहाँ पे 50 के नीचे आ गया है उसके बाद हम चले जाएंगे फाइव मिनट्स चार्ट पे फाइव मिनट्स चार्ट पे हम लोग जैसे देख सकते हैं यहां पे मैं जूम कर लेती हूँ आया, 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 ये वाला जो हाई था वो ब्रेक कर गया तो फिर हमारा एंट्री स्टॉप लॉस किधर होगा इसका देखते हैं ये ट्रेड मैंने आज लिखा लिया था यहाँ पे तो ये वाला कैंडल क्लोज पे हमारा एंट्री था दिस इज द एंट्री दिस इज द स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस है एंड हमें टारगेट यहाँ तक का मिला तो ऑलमोस्ट टू पॉइंट फाइव टारगेट मिला है तो ऐसे करके हम लोग हायर टाइम फ्रेम में ये एरिया फाइंड आउट करके बेस्ड ऑन द आर एस आई एंड ट्रेंड हम लोग चले जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में फॉर एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस अब मैं जो सेटिंग यूज करती हूँ वो है फाइव पीरियड आर एस आई तो मैं पीरियड यूज़ इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा रिजल्ट देता है और मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके साथ ये अच्छे से बैठता है अगर आपको फोर्टीन पीरियड आर एस आई बेटर सिग्नल देता है तो आप फोर्टीन पीरियड आर एस आई भी यूज कर सकते हो लेकिन हमेशा ये वाला क्राइटेरिया याद रखना टैसेट का क्राइटेरिया याद रखना ट्रेंड उसके बाद एरिया And then stop loss, entry and target. Area हम हम लोग लोग देख रहे हैं हैं में में देखते तो चलिए ये देखते हैं कि फाइव पीरियड आर एस आई और फोर्टीन पीरियड आर एस आई यूज करने में डिफरेंस क्या आता है वो भी हम लोग एक बार चार्ट पे देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए तो देखिए डिफरेंस क्या होता है लुक वाइज पैटर्न सेम ही होगा जैसे यहाँ पे भी ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा है तो लुक वाइज सेम होगा लेकिन इसका एरिया का डिफरेंस हो जाता है एरिया का कैसे डिफरेंस होता है देखिए ये ऊपर चला गया एंड मुझे बोल है कि इसमें और स्ट्रेंथ बाकी नहीं है ऊपर जाने का लेकिन यहाँ पे नीचे है तो ये मुझे बता रहा है कि और भी ऊपर जा सकता है और मार्केट क्या किया यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिया और उसके बाद ऊपर गया सिमिलर केस में यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे बहुत नीचे आ गया तो मुझे बोल रहे कि इसमें बहुत ज्यादा अभी वीकनेस है अभी इससे नीचे और ज्यादा जा नहीं पाएगा यहाँ पे इतना स्ट्रेंथ बाकी नहीं है मार्केट में प्राइस का लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही नीचे गया है तो इसको देख के मुझे लगेगा कि और थोड़ा सा नीचे जा सकता है लेकिन मार्केट क्या किया इसके बाद ये रिवर्स आ गया यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे आर एस आई नीचे आ चुका है और मार्केट ने क्या किया साइडवेज रह गया मार्केट लेकिन यहाँ पे तभी तक नीचे आया नहीं है यहाँ पे है तो ये मार्केट और नीचे जा सकता है तुरंत जा सकता है ऐसा मुझे दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे नीचे आ गया इसीलिए मैं यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगी क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज जा सकते हो और इसीलिए मैं फोर्टीन पीरियड नहीं फाइव पीरियड आये से यूज करती हूँ क्योंकि इससे मुझे सिग्नल अच्छे से मिलता है आप देख सकते हो आपको कोई स्टॉक में अगर फोर्टीन पीरियड में अच्छा सिग्नल रह, मिल रहा है तो वो यूज करो अगर आपको फाइव पीरियड मिल रहा है तो वो यूज करो जो भी आपके हिसाब से आपको जो सूट करता है वो आप यूज कर सकते हो और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हैप्पी ट्रेडिंग बाय बाय